अभी थोड़ा सा गर्म है तो इसको हम रख से हैं इधर बेस्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और ये जो प्लान है ना बहुत ही सडन था भाई, बहुत ही सडन। मैं कच्छे में बाहर घूम रहा हूँ, ध्रुव आता बोला कि यार चल डेल्टा जाके आते हैं, तो बोला थोड़ा 2 मिनट सोचा और बोला चलो आते हैं बोला। सो वो सब गाइस, दिस इज सोई सुधा, यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्रिपल मशीन। ये आई गेस 84th या 83rd ब्लॉग रहेगा मेरा। सो चलते हैं आगे, उधर खड़े कुछ लोग। कधी पण इकडं हवा भरायची नाही, इकडं पुढे सांगतो। सो ऑल थैंक्स टू ध्रुव कि रैंडमली आके मेरे को पूछा कि चल चलते करके। एक्चुअली इनका ग्रुप पे प्लान चल रहा था पर कैसा था कि ये कुछ ज़्यादा ही सडन हो गया। सो मैं बोला कि यार इतने ऐसे इसमें तो नहीं हो पाएगा बोला, बट यार यहाँ पे जो ठंड है बोलता हूँ आय हाय 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 सिकुड़ गई भाई। और मैं प्रॉपर गियर में भी नहीं हूँ, जॉगर्स हुडी फिर नो ग्लव्स, आयुष के पास भी गोप्रो हीरो 11 है। सो वो अभी यूट्यूब पे तो नहीं है बट अभी उसने मिनी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो आज ही मेरे को पता चला कि वो मिनी ब्लॉग निकाल रहा है इंस्टाग्राम के लिए। वहाँ से निकल तक बीच में थोड़ा सा ठंड फेस किया, फिर थोड़ा ऊपर आने के बाद थोड़ा गर्म फील हुआ आइए पता नहीं, बट इधर आने के बाद फिर से ठंडा हो गया भाई। धूप है लेकिन कोई फायदे की नहीं है। ध्रुव मेरे पीछे ही है बिकॉज उसको पता है ना मेरी गाड़ी का सीन क्या है। ऑयल सील अभी तक गया है, ऑर्डर दिया है बट अभी तक आया नहीं। फिर ऊपर से टायर भी बताए हैं, मतलब एक ही साथ करना ना सब, अलग अलग थोड़े में लेबर से ज़्यादा लग जाएगा। सो ध्रुव मेरे पीछे की सेफ्टी के लिए देख रहे हैं मेरे। हे बलापन बलापन मुनीश्वर वाटर का है। अरे वाह यार देखो भाई बसते कि नहीं थे सेकेंडरी है, फिट तो डाला पापा मारीन उलटा उलटा कर मारीन भेटला का कुठे, बिझी होतास किती होता पेट्रोल घालताना? मी पण येणार नव्हतो, सडन प्लॅन, चड्डीवरती होतो बघितलास की नाही? चलो वायर ग्लव्स मिल गए बहुत सही बहुत सही। ग्लव्स पहनने के बाद ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ रहा है पता नहीं। क्लासिक के साथ आदिराज जो आया नहीं है अपने स्क्रू पाने के साथ, आयुष अपने गोप्रो हीरो 11 के साथ। हाय हाय ठंड तो थोड़ी चली गई। ये डाउनर थोड़ा कभी कभी रिस्की लगता है पता है, अगर आप ऐसे ट्रक के पीछे जा रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि ट्रक तो डॉज कर लेता है उसके नीचे के जो सेंटर पार्ट है वहाँ से खड्डा, तो हमको आगे लग जाता है तो वो थोड़ा रिस्की है। आपका अगर अलॉय रहा तो बच जाओगे, बट अलॉय बेंड हुआ तो वहाँ पे आपकी गाड़ी समझो पंचर ही होगी, और अगर आपका रिम है तो रिम आउट हो जाएगा। तो बात है कुछ 2 साल पहले की, जब यूट्यूब या ये ब्लॉग चालू किया था तो उस टाइम पे हर कोई यही बोलता था कि भाई यूट्यूब में बहुत पैसा है, यूट्यूब पे मतलब वीडियो बनाओ डालो पैसा व्यूज़ आएंगे उसके हिसाब से पैसा आएगा। तो मैं भी वही टेंडेंसी से था कि हाँ भाई यूट्यूब में पैसा है तो करेंगे ब्लॉग बनाएंगे, क्या पता हिट कर गया तो पैसा भी आने लगता है, ऐसा था ठीक है। बट एक बंदे की वजह से ना वो पूरा परसेप्शन जो चेंज हो गया ना भाई, अभी जो वो बंदे ने इतना ही बोला, मतलब वो बंदा आप जानते हैं उसको, इसको बार है तो इसको बार है जैसे ही बोला ना कि भाई सोच कि हम एक एज में है जहाँ पे हम लोग चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हम ये सब राइड वाइड सब बंद कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम जो एडवेंचर के लिए वो सब बंद कर रहे हैं क्योंकि एज मैटर करता है उस टाइम पे। तो अगर उस टाइम पे तुम अपने ही वीडियोस देख रहे हो कि क्या भाई क्या मज़े किए थे, तो
बोला हाँ ना भाई, मतलब तुम सोचो ना कि ऑलमोस्ट मेरे 100 होने आए हैं अभी ब्लॉग और वीडियोस, तो उसके हिसाब से अगर मैं बैठ के अगर मेरे बुढ़ापे में देखूंगा कि भाई यहाँ वहाँ गए थे हम, ये चीज़ें की है, ये चिपका के हमने अपने जीभ जलाई थी, फिर वैक्सिंग किया था, फिर माउंटेन पे गए थे, यहाँ वहाँ गए थे, मतलब घूमने वाली चीज़ें सब सब ऐसा लगेगा एक टाइम पे कि भाई ये दिन वापस नहीं आने वाला। तब से पता नहीं मेरा ना ऐसे मन उड़ गया, नहीं बोलूँगा, ब्लॉग करने का बहुत मन करता है, सो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही रहेगी, बिकॉज अगर आपको व्यूज़ चाहिए या आपको मोनेटाइजेशन चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। बट अभी कैसा है ना, अभी भाई बाहर में जाए ऐसा लगता है कि बस ब्लॉग निकाल, एक मिनट बहुत खड्डे हुए, ब्लॉग निकालते जाऊँ, मेमोरीज बनाते जाऊँ, अगर जनता को अच्छा लगा तो फिर अच्छा ही है। बट भाई ये अब यूट्यूब में पैसे के लिए नहीं कर रहा, सच बोलूँ तो नहीं करना ये पैसे के लिए यूट्यूब। सब लोग को यही बोलते हैं कि भाई मोनेटाइज होगा कि नहीं, भाई पैसे आने लगे कि नहीं, नहीं यार मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, ऐसा हो गया अभी तो फिलहाल। और ध्रुव ऐसे क्यों कर रहा है, अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये कैसे क्या बोल रहा है कि इसको पैसा नहीं चाहिए, पैसे के लिए नहीं कर रहा। देखो नो डाउट पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट मैं अगर जिस चीज़ में मेमोरी ढूंढ सकता हूँ ना, मतलब इतना बढ़िया मैं मेमोरी बना सकता हूँ, तो वहाँ पे मैं हर जगह पैसा नहीं होता भाई। कभी कभी खुशी भी तो मैटर करती है, पैसा तो कहीं से भी आ जाएगा, पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट फिलहाल तो पैसा नहीं है सच बोलूँ तो। सो कमा लेंगे। दिख रहा है सुपर व्यू है तेरे में है? मेरा भी 11 है। 11 है क्या? मेरा लेकिन 11 है। तो भाई ये मैं लास्ट टाइम मैंने बहुत बार इस रोड का जिक्र किया आपको, हर एक ब्लॉग में जब भी मैं यहाँ से आता हूँ ये ऐसा प्रॉब्लम पड़ता है, सब अटक जाते हैं इधर अच्छे खासे। तो मैं बोल रहा था कि ये सब लोग है ना, इनमें से बस कुछ लोग वापस आने वाले हैं यहाँ पे डेल्टा में ब्रेकफास्ट करके, बाकी ध्रुव और उसके साथ और 2-3 लोग जाएंगे एक ऑफ रोड करने, तगड़ा वाला। पता नहीं ध्रुव को क्लासिक पे क्या मज़ा आता है ऑफ रोड करने में। ध्रुव गेट अ हिमालयन मैन, बीच में प्लान भी बोल रहा था कि भाई हिमालयन 450X लेने का प्लान, 450X सॉरी 450X नहीं हिमालयन 450 लेने का। भाई हमारे लिए तो थंडरबर्ड ही ठीक है। सो राइट नाउ वी आर एट डेल्टा, यहाँ पे करेंगे बढ़िया सा नाश्ता। अरे यार ये तो मैं फौज में पहना करता था। तू नहीं गलत कहते, पानी वानी पिया करो यार, हाइड्रेट रहा करो। क्या है किस लिए? टैंक बैग मजा है। ओके हाँ, बगा केसर बगा, तुम्ही पण बगा, तुमचे भाई साहब ब्रूटल। 10 किलोमीटर तो हमारे वाले ये वाली राइड में आदिनाथ नहीं है, तो आदिनाथ के लिए एक छोटा सा मैसेज दे रहा है ध्रुव। ये बीप 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 कर कर मारता हूँ। बंडे को पता है कि मेरे कंटेंट में मैं अडल्ट चीज़ें नहीं डाल सकता, तो बीप। ये पीछे ना इनकी ना, ये बोलता हिमालयन वाले ना, हिमालयन बाइक बहुत अच्छी है बोलता हूँ, और जो चलाने वाले ना श्री अपने 2 S के साथ श्री अपने 2 डब्बों के साथ। सो गाइस यहाँ से हम अभी लगाए कि नहीं, हाँ कभी कभी क्या होता है ना कि माइक लगाता हूँ बट उसका वहाँ से ऑक्स से कनेक्ट नहीं करता, तो आवाज़ आना ही बंद होता है। वैसे बहुत सारे ब्लॉग्स में हुआ था जहाँ पे आया ही नहीं ऑडियो, बस वीडियो आया। श्री की ग्लव्स, सेल्फी टाइम। अरे झगड़ रहे मारा मारी मुझे गिफ्ट। Selfie with
अपने आप से बात कर रहे हो। श्री बोलता है मेरे को यार हेजिटेशन होता है, मेरे को स्टेज फियर है। स्टेज फियर तो मेरे को भी था यार, मेरे को भी था। वो सब ठीक है, तुम ये ऑफ रोड क्लासिक पे कब तक करोगे? हिमालयन ले लो यार। अरे लेंगे 450 कमिंग सून। हां सी द मून गाइस। कहां माय गॉड। अच्छा कब तुम पर्दा उठाओगे? वो ऐसा पर्दा नहीं है उठाएंगे, डायरेक्ट ऐसा बॉक्स ही निकल घर ही डिलीवरी है घर पे आके। अनगोल में रास्ता जितना नहीं उतना बड़ा गाड़ी। हां टायर चेंज हो गया ब्रोस, फोक चेंज हो जाएगा, हेड पे का अलग से ही आएगा कुछ तो नया वाला। हे सात का है तू, क्या किया तू? लो वाइज हमको एक ये मिला है, क्या बोलते हो, उपाय मिला है। हे का है ओ हाँ, खालती है का एक्स्ट्रा वेल्डिंग करून एक पट्टी करून लावलोय। हाँ ए चला मैं निकतो, चल मैं चलो। ये और ये भैया जाएंगे इनके ऑफ रोड के यहाँ पे, और हम जा रहे हैं अपने घर। मेरे साथ आएगा श्री और श्रीनिक। सो गाइज ये वाला हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, नया हो तो सब्सक्राइब कर, पुराना हो तो शेयर जरूर करना। उसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, चलो बाय बाय। दी वन ऑफ द डेंजरस इंसिडेंट, ठीक है, इसलिए गर्म होता है तो है गर्म। इसको पकड़ो कैसे, जूता ना खराब हो जाए, लेके जाने का दिक्कत है अभी भाई। गाड़ी सारी कर लेते हैं। सो ये है वन ऑफ द डेंजरस इंसिडेंट आज का, गर्म तो है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अभी थोड़ा सा गर्म है तो इसको हम रख सकते हैं इधर, बेस्ट। बोले रबर चलेगा आई गेस, और ऐसा ये ठीक है। अच्छा वाह, ज़्यादा पहले नहीं गिरा। होम स्वीट होम, साइलेंसर अपने हाथ में। फायरिंग तो तगड़ा है भाई। My soul, but